दोस्तों सब्सक्राइब करें राज शर्मा इंदौरी चैनल को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेहनत रहती है, बहुत बड़ी एक एफर्ट रहती है कि ये जो फॉरेन ट्रिप्स हैं वो आपके लिए मेमोरेबल बने, यादगार बने रहें, सो दैट जब आप जाके अपनी खुशी के साथ इसके बारे में अपने लोगों को बताएं और वो भी इनसे मोटिवेट होके उनके मन में ये चाहत उठे कि वो भी इन ट्रिप्स को लेना चाहें कि आप लोगों के साथ। सो लेट्स एंड ये ट्रिप एक ट्रिप नहीं है, हमारे अंदर जो हमेशा सोच रहती है कि जब आप लोग यहाँ पे आते हैं हमारी सोच सिर्फ ये होती है कि आप लोग वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने जंग के मैदान के अंदर एक बहुत बेहतरीन जो जीत हासिल की है। द वे द वॉरियर्स शुड बी रिकॉग्नाइज दैट्स द वे वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग। इन ट्रिप्स को सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों के लिए हम हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं ताकि ये ट्रिप्स आपके लिए यादगार रहे। So, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि आज की शाम एक बहुत बेहतरीन शाम होगी, राइट? There's going to be quite a lot of dance. ढोल के ऊपर डांस करना किस-किस को आता है? So we have got ढोल, we have got DJ, we have got Mr. दीपक सूद also, right? बाकी सबका खर्चा लगा था, दीपक सूद जी का कोई खर्चा नहीं लगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, okay? So, आज की शाम एक बहुत रंगीन शाम रहेगी, हम बहुत आपस में एंजॉय करेंगे, वो खुशी वो जीत का जो जश्न है उसको हम आज शाम को एंजॉय करेंगे। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा वेस्टिज के बारे में जो हमारा ये जो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया का ट्रिप है
जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया आर टू कंट्रीज जिनके बारे में आप जानते हैं कि दे आर एडवांस नेशंस, डेवलप्ड नेशंस. जर्मनी डेफिनेटली इज नोन फॉर द इंजीनियरिंग एंड व्हाट दे कॉल द ग्रेट थिंग्स अबाउट ऑस्ट्रिया. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर. राइट, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा मास्टरी के बारे में. मास्टरी जो है वो एक आर्ट है, किस चीज का क्रिएट करने का, किसी भी चीज में महारत हासिल होना या मास्टरी हासिल होना वो तब हो सकती है. आप सबसे बेहतर तब बन सकते हैं जब आपके पास वो कला हो, वो आर्ट हो, ताकि आप उसको क्रिएट कर सके, डिजाइन कर सके, नहीं सिर्फ सोच सके बल्कि उसको डिलीवर भी कर सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके हर एक चीज के अंदर. जो कैटेगरी टेल्स हैं, मैं इनके बारे में आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा. यू नो, हम ये जो कंसेप्ट है ऑफ मास्टरी की, हर एक चीज के अंदर हाउ मच बेटर यू कैन बिकम सो दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट एंड यू आर बेटर देन द बेस्ट ऑल्सो. राइट, हम इसका जो कंसेप्ट की जो हिस्ट्री है इसको ट्रेस कर सकते हैं. सबसे पहला होता है अप्रेंटिस. अप्रेंटिस यानी कि वो किसी के साथ उस चीज को, उस आर्ट को, उस हुनर को, उस गुण को सीखने का प्रयास करता है और बिल्कुल जीरो से वहां पे शुरुआत करता है. तो वो जो स्टेज उन्होंने उसको बताया, वो स्टेज की इज अबाउट बीइंग एन अप्रेंटिस एंड द सेकंड इज अ जर्नीमैन. जर्नीमैन क्या करता है कि जैसे वो सीख रहा है उसके ऊपर कैसे काम करता है और बेहतर कैसे काम करता है सो दैट ही कैन बिकम बेटर देन द रेस्ट. एंड द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज इज ऑन बिकमिंग अ मास्टर. राइट, मास्टर जो आप लोग आज है, you are better than anybody else in entire India. और मैं कहूंगा दुनिया के अंदर जो आज के दिन पे वेस्टीज की लीडरशिप है, वेस्टीज की लीडरशिप और किसी के पास नहीं. तो आप सब मास्टर्स को मैं जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगा. Gentlemen, taking you further ahead, mastery the German way. You know, Germany और Deutschland इसको कहा जाता है. इन्होंने कमाई है एक बहुत प्रेस्टीजियस टाइटल, वो किस चीज का, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इन्होंने जो इमेंस कंट्रीब्यूशन की है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अंदर, उसके लिए जर्मनी को एक बहुत बड़ा यू नो इंजीनियरिंग जायंट कहा जाता है. जब आज मैं इस प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो मुझे पहले ख्याल आया कि जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था तो तब मैंने पढ़ा था कि दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जेट इंजन बने थे वो जर्मनी ने बनाए थे. राइट, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रिसिशन जो इनके पास हमेशा से रहता है. और वो किस चीज से आता है, वो आता है मास्टरी से. सिर्फ यही नहीं कि करने का प्रयास करना बल्कि उसको इतना बेहतरीन करना कि आप उसके अंदर मास्टर बन जाए. राइट, सो आपको फर्दर ले जाते हुए जैसे जर्मनी इज मास्टरिंग व्हील्स. BMW जिसका हमने कल म्यूजियम देखा, we saw beautiful cars, इतने सालों से लगातार being the best in the world is no joke at all, right? Whether it is BMW, whether it is Audi, whether it is Mercedes-Benz, whether it is Porsche or Volkswagen also, right? ये सब गाड़ियों के जो roots हैं, they can be traced back to Germany. Not only in wheels, but also in engineering. You know, the very big giants to world ke hai engineering ke andar, say for example Siemens, that is also from Germany. Right, to take you further ahead, mystery the Austrian way. Austria jo hai wo ghar hai na hi sirf jo maverick masters rahe hain architecture ke andar ya arts ke andar, balki duniya ke jo most renowned western classical music ke jo masters rahe hain, they are all from Austria. Taking you further ahead, Austria, Austrian masters की अगर बात करें, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूं इस चीज की कि जो हम कर रहे हैं वो तो बेहतर है ही है, बट हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. How exactly you can be masters in your business, in your trade, and how collectively
हम सब मिलके how Vestige can be the master in the business of direct selling all across the world. Ladies and gentlemen, Austria जो है वो pride ले रहा है अपने अंदर उनके पास world के best composers जो इस तरह से रहे हैं. Say for example, Mozart. Mozart का जैसे आपने कल उनका घर भी देखा, उनका म्यूजियम आपने देखा, right? इनकी जो words हैं, इनके जो काम हैं, they are works of a genius and जो classics हैं, इन्होंने create किए. मोजार्ट के बारे में जैसे आपको कल आपके गाइड ने भी बताया होगा, he started creating music, composing music at the age of 6. यानी कि 6 साल की उम्र से उन्होंने म्यूजिक को क्रिएट करना शुरू किया था. And he died at a very young age. एक बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हुई थी, यानी कि 35 इयर्स तक की एज में उनकी डेथ हो गई. And after he passed away, the kind of a music जो उन्होंने अपनी इतनी young और छोटी life में create किया था, that kind of a music, a classical music, आज तक कोई नहीं कर सका. और दुनिया के जितने masters हैं, आज के दिन पे भी उनके लिए मोजार्ट के music की composition को बचाना उनके लिए बहुत बड़ा challenge होता है, बहुत बड़ा challenge होता है. ना सिर्फ challenge जो उस मोजार्ट के piece को बजा ले, उसको लोग master कहते हैं. So, बात किसी की चीज के बना के उसको कॉपी करके उसको बेस्ट करने के मास्टर बनने से अच्छा हम चाहते हैं कि हम वो मास्टर बने, कि हम लोग वो चीज कंपोज करें जिसको हमारे बाद भी सारी की सारी कंपनियां वेस्टीज का ही म्यूजिक है. मास्टरी द वेस्टीज वे, क्योंकि हम इन सब मास्टर्स ने अपने आप को कुछ अलग नहीं समझते, हमने भी बहुत एक अलग चीज क्रिएट की है. वेस्टिज भी एक मास्टर है, और ये मास्टर है किस चीज के अंदर, जिसके अंदर हम करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि लोग जो अपने लिए खुद का बिजनेस बनाए, राइट. और हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं उसी तरह जैसे तीन स्टेप जो जेफरी जॉक्सन ने बताए थे, उसी तरह टॉकिंग अबाउट बीक एंड अप्रेंटिस जो हमारे बिजनेस के अंदर होता है, कि मास्टरी ऑफ वेस्टीज जो है वो शुरू होती है एक अप्रेंटिस के साथ, कि जब कोई भी इंडिविजुअल जब वेस्टीज के बिजनेस में आके जुड़ता है, उसके पास अप्रेंटिस होने के लिए, इस बिजनेस को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट ही डेयर्स टू ड्रीम बिग. यानी कि वो सपना लेने की हिम्मत करते हैं, सपना जो एक बड़ा सपना, और साथ ही डेयर करते हैं ताकि वो पहला कदम उठा सके अपने सपने को पूरा करने के लिए. स्टेप नंबर 2 जो जर्नी में होता है, यानी कि रास्ते में जितनी मर्जी मुश्किलें आती हैं, ऑल द ट्रबल्स व्हिच कम ओवर देयर, दे आर द वंस दोज हु वॉक द वे, राइट. जब कोई भी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपनी एक यात्रा, एक जर्नी शुरू करते हैं सफलता की ओर. लास्ट तीसरे स्टेप के अंदर द मास्टर, जो हमारा वेस्टीज का एक यूनिक और प्रो ग्रोथ सिस्टम है, राइट. ये जो प्रो ग्रोथ सिस्टम है, इसके करके हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बात को लोग टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग बात करते हैं वो बात बिल्कुल सत्य होती है. अगर हम चेक्स के बारे में बात करते हैं, द काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल जो हमारा लोगों का वेस्टीज के अंदर है, आज के दिन पे इंडिया में हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जानता है कि वेस्टीज आज के दिन पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है. नहीं सिर्फ लोग जानते हैं कि वेस्टीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट आप लोगों की अचीवमेंट जो है, जो आप लोगों ने सफलता हासिल की है, उस सफलता के करके आपकी सफलता और आपके इनकम के ऊपर कोई आदमी शक नहीं करता. शक क्यों नहीं करता, क्योंकि वो जो आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो आपकी कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी है आपकी इनकम के अंदर, ना ही सिर्फ जो आपको वेस्टीज के करके जो आपने यात्रा की है उसके अंदर जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, वो स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, ताकि लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसी के करके आप बनते हैं एक बहुत इंस्पायरिंग लीडर. एंड दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग हैं हमारे मास्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. सो टेक इट फॉरवर्ड है वेस्टीज के अंदर मास्टरी की रेसिपी क्या है, इस सफलता का क्या कारण है,
जो सफलता का कारण है प्रेस्टीज के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. द रेसिपी विच सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम मास्टरी की बात कर रहे हैं कि आज के दिन पे हम उस देश में आए हैं जिसके अंदर पुराने पुराने 1000 साल पहले के 900 साल पहले की बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, उस टाइम के आर्किटेक्चर को हम एडमायर कर रहे हैं, हर एक चीज को जो हम एडमायर कर रहे हैं, वैसी ही मास्टरी हमारे पास भी है. वो मास्टरी हमारी है मास्टरी इन द प्लान, राइट. जो मास्टरी इन द प्लान के बारे में बात करना चाहता हूं, जो वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है, आप सब जानते हैं एक यूनिक सक्सेस प्लान है जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं हर एक व्यक्ति को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसके करके हर एक साधारण आदमी भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है और जो उसने सपने लिए हैं उनको रियलाइज कर सकता है. मेरा ख्याल से आप सब ये जानते हैं कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है लीडरशिप. लीडरशिप जो आपके अंदर, लीडरशिप जो हम सब ने आज के दिन में मार्केट में एस्टैब्लिश की है, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर जो मास्टरी और बनाने के लिए हम हमेशा आपको नई से नई प्रमोशन देते रहते हैं, राइट. और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारा प्रयास है द अटेम्प्ट which is there to create mastery in the plan has not stopped. In short possible time, हम इसके अंदर आप लोगों को और एडवांटेज देंगे, जिसके करके आपके चेक्स जो अभी आप कमा रहे हैं बहुत जल्दी उससे डबल हो जाए. Ladies and gentlemen, हमने क्रिएट किए हैं मास्टर्स, मेरे को बताकर है आपको बहुत खुशी हो रही है. आज के दिन पे वेस्टीज के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा इंस्टीट्यूट हो चुके हैं. नहीं सर, हमने 1 करोड़ का जो मार्क ब्रीच किया है, हम कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं. लगभग 3 से लेकर 3.5 लाख लोग, राउंड अबाउट 3 लाख से 3.5 लाख पीपल आर ज्वाइनिंग वेस्टीज एवरी मंथ, राइट. वेस्टीज प्लान ने बहुत न्यूमरस रिमार्केबल लीडर्स क्रिएट किए हैं इन पिछले 14 साल के अंदर जो हमारी सफलता की जर्नी रही है. टेक यू फर्दर है हमारी जो सक्सेस की मास्टरी है, सक्सेस मास्टर किस चीज के करके है, वो है हमारे जो रोबस्ट बिजनेस प्लान के करके, वो कब जो किसी को कभी फेल नहीं होने देता. और हमारा जो क्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान है, ये हमेशा मदद करता है ताकि लोग आगे बढ़े. और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि आज के दिन पे हमारे 36 डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स हैं, राइट. आज अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट हर महीने 1 या 2 हमारे नए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स बन रहे हैं. बाकी किसी भी कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल होता था उसको अचीव करना इतना मुश्किल होता था, 1 या 2, देयर वर हार्डली 1 or 2 पीपल दोज़ वर ऑन टू दैट काइंड ऑफ टॉप लेवल. And everybody used to aspire. हर कोई aspire इस चीज पे करता था कि हम कैसे इस highest level पे जा सकें. Vestige का जो entire robust system है, उसके करके इतना ये possible है कि आज के दिन पे ये 36 लोग हमारे, we have got 36 double university crown directors. Here's the question which I would like to raise over here today. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग double university crown director जाना चाहते हैं? मैं नहीं जा सकता बिकॉज मैं एमडी पे बड़ा हूं, राइट. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. वी हैव गॉट 38 डबल क्राउन डायरेक्टर्स, 224 यानी कि 224 दे आर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, दे आर 659 क्राउन डायरेक्टर्स, दे आर 1456 डायमंड डायरेक्टर्स. मैं कहता हूं दो बार ताकत होती करते हैं मेरी जब भी लीडरशिप से बात होती है, व्हेनेवर आई मीट आवर लीडर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, हम उनको हमेशा एक चीज डिस्कस करते हैं कि आज के दिन पे द काइंड ऑफ लीडरशिप व्हाट वी हैव टुडे इन वेस्टीज. इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, देयर इज नो कंपनी इन द कंट्री जिसके पास इतनी फिनोमिनल लीडरशिप हो. सो लीडरशिप के लिए आप सब लोगों के लिए दो बार ताली. मास्टरी इन अर्निंग जो सक्सेस प्लान के करके आती है, वेस्टीज का बिजनेस प्लान अलाउ करता है हर एक को
ताकि वो अर्न कर सके ज्यादा से ज्यादा और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और ज्यादा बेटर कर सके। और मैं आपके सामने लेके जाने वाला हूं वो नंबर, द नंबर विच वी हैव नेवर एवर रिवील्ड इन प्रिंट, और वो नंबर मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। आज के दिन पे वेस्टीज में 17 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने में 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। राइट, नहीं सिर्फ ये लोग, हमारे पास 24 से ज्यादा वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। वी हैव गॉट 124 पीपल जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। वी हैव गॉट 1246 पीपल जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। 1598 पीपल जो 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। और ये अर्निंग्स जो है ये अप्रैल 2018 और जुलाई 2018 के मंथ के अंदर है और ये फिगर्स कंटीन्यूअसली ग्रो कर रही है। जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जिसके ऊपर बाकी कंपनीज हमसे जलन करके इस सवाल के ऊपर डाउट करते हैं, यूट्यूब के ऊपर फर्जी वीडियो बनाते हैं, वेस्टीज के अंदर हर महीने लगभग 12.5 लाख लोग चेक लेके जा रहे हैं। हमारी मास्टरी इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, हमारे यहाँ पे आज के दिन पे 23 लाख से ज्यादा, वी आर 23 लाख प्लस वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1200 से ज्यादा जो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव हैं। जो हमने अभी रिसेंट सर्वे किया था, हमारी 3.63 लाख जो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका वेस्टीज ही प्राइमरी प्रोफेशन है। हिंदुस्तान के अलावा 50 और देशों में है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर, अगले 4 से लेकर 5 मैक्सिमम महीनों के अंदर हम खोल रहे हैं सऊदी अरेबिया, हम बांग्लादेश, फिलीपींस, कुवैत एंड नाइजीरिया ऑफ कोर्स। एंड जब तक 2019 एंड होगा, वी बी देयर इन मेनी मेनी मोर कंट्रीज। हमारे जो मास्टरिंग चैलेंजेस की अगर बात करें, हमने जो ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2018 में क्लोज किया था, वी क्लॉक अ टर्नओवर ऑफ 1050 करोड़ इन 14 सालों के अंदर, और इस साल जो हमारा टारगेट है वो क्या है, 2000 करोड़। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि जो हमारे पहले 3 महीने बीते हैं, जो 3 महीने का जो हमने टारगेट रखा था, we have achieved that target 100%. First quarter, जो हमेशा टफ होता है, इसके अंदर अगर हमने इतनी phenomenal growth ली है, मुझे 100% इतना भरोसा है, I have got complete faith in all of you. When we close March 2019, जब हम मार्च 2019 को क्लोज करेंगे फाइनेंशियल ईयर, हम 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करेंगे। देख सकते हैं कि जो वेस्टीज ने शुरुआत जो की थी, पहले 2007-08 और 2008-09 के अंदर 50 को मेंटेन किया, विच वाज अ स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमने क्रिएट किया। उसके बाद 70 करोड़, उसके बाद 89 करोड़, उसके बाद 89 से स्ट्रेट अवे टू 170 करोड़, फ्रॉम 170 करोड़ वी स्ट्रेट अवे जंप टू 260 करोड़, 260 करोड़ से वी टुक अ जंप ऑफ 354 करोड़, फ्रॉम 354 we took a jump of 460, from 460 we went down to 650 crores,
650 crore से we get down to 846 crore, then 846 crore से 1050 crore. ये हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है इतने सालों के अंदर और इस साल जो हमेशा मैं कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है और 14 सालों में तो हमने सिर्फ अभी तैयारी की है ग्रोथ तो अभी बाकी है टेकिंग यू फॉर द हैंड मास्टरिंग हमारी ग्रोथ वेस्टीज हम ग्रो करना चाहते हैं एक ग्लोबल स्केल के ऊपर और अपने बिजनेस को 50 देशों के अंदर हम लेके जाएंगे और हमारा टर्नओवर होगा $4 billion which is approximately 20,000 crores by the year 2025 मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या ये टर्नओवर हो सकता है yes! आपको विश्वास है yes! आपको खुद पे विश्वास है yes! आपको वेस्टीज पे विश्वास है yes! आपको हमारे मार्केटिंग प्लान पे विश्वास है yes! आपको ये विश्वास है कि आप और सफल होंगे yes! आपको ये विश्वास है कि आने वाले समय में जो आपके साथ लोग आपके आएंगे वो भी सफल होंगे yes! क्या हमारा सिस्टम पावरफुल है yes! Ladies and gentlemen, आपके इसी फेथ के साथ 20,000 करोड़ क्या मोस्ट प्रॉब्ली विल बी वेल अबव 20,000 करोड़ ऑफ yes! Ladies and gentlemen,